खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर रामचंद्र जांगड़ा का नाम भी भेजा है। अभी तक भाजपा ने जो है दो नामों पर सहमति बनाई है और राज्यसभा के लिए दो नामों को हरियाणा से भेजा गया है, जिनमें दुष्यंत कुमार गौतम जो हैं वो यूपी के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली से हैं, वो उनका नाम हरियाणा से भेजा है, और दूसरे हैं पिछड़ा वर्ग निगम के चेयरमैन रामचंद्र जांगड़ा, इनका नाम पहले भी राज्यसभा के लिए भेजा गया था लेकिन एन मौके पर जो है वो डीपी वत्स का नाम भेज दिया गया था। तो अब जो है दोबारा से रामचंद्र जांगड़ा को मौका मिला है और इनका नाम जो है शीर्ष नेतृत्व ने फाइनल कर राज्यसभा के लिए भेजा है। और आज रामचंद्र जांगड़ा गोहाना पहुंचे थे और गोहाना में इन्होंने कहा कि जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है वो उन्हें मंजूर है, जिस भी तरह का जिम्मेवारी जो है भाजपा मेरी लगाती है वो उसे बखूबी निभाएंगे और अभी तक भी निभाते आए हैं। रामचंद्र जांगड़ा की बता दें आपको कि गोहाना से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और अब फिलहाल के विधानसभा चुनाव में जो है कहीं ना कहीं रामचंद्र जांगड़ा को ही उम्मीदवार माना जा रहा था गोहाना से, लेकिन एन मौके पर जो है वो टिकट कट गया था और तीरथ राणा को यहां से मैदान में उतारा गया था, लेकिन अब जो है इनको राज्यसभा के लिए नाम इनका जो है वो भेज दिया गया है। इस मौके पर इनके साथ पंकज सैनी, संजय मेहंदीरत्ता, सुमित मक्कड़, प्रवीण कश्यप, राजवीर माहरा, राजू पटवा, सीटू गेरा, अंजू कालड़ा आदि मौजूद रहे। K9 मीडिया के लिए गोहाना से अमित सबरवाल के साथ अरुण कुमार की रिपोर्ट। पूरा संघर्ष आपने गोहाना में किया है। अभी हरियाणा प्रदेश के हाईकमांड की तरफ से और केंद्रीय हाईकमांड की तरफ से मेरे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, मैंने टीवी की खबर ये देखी है और जैसा खबर है भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि आम कार्यकर्ता को ये किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं, निष्ठा और उसकी ईमानदारी से पार्टी के कार्य के साथ लगे रहो, जो पार्टी निर्णय करती है वो अपने आप करती है और सोच के करती है। कर ले जा रहा है सर, आपने चुनाव इससे पहले कब लड़े हैं और क्या क्या तैयारियां रही है इससे पहले, कहाँ कहाँ चुनाव लड़ा है? मैंने सन 1987 में सफेदों से चुनाव लड़ा, लोकदल बी की टिकट पर। 1991 में महम से हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2004 का चुनाव मैंने पार्लियामेंट का लड़ा था हरियाणा विकास पार्टी की ही टिकट पर करनाल से। 2004 में जब चोई बंसीलाल ने कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया तो मैं क्योंकि संघ की पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं अपने छात्र जीवन में नियमित रूप से शाखाओं में जाता रहा, मेरे अंदर कांग्रेस विरोधी संस्कार सदैव रहे, तो मैंने चोई बंसीलाल को मना कर दिया था। उनके मर्जर से पहले ही मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली थी मैंने, और 2004 में ज्वाइन करते ही मेरे को बहुत बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, माननीय गणेशी लाल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, दो बार मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, एक बार माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के कार्यकाल में, एक बार माननीय गणेशी लाल जी के कार्यकाल में, और दो बार मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा। भारतीय जनता पार्टी में मुझे पूरा सम्मान मिला। 2014 में विधानसभा की टिकट मिली, उसके बाद 4 साल तक चेयरमैनी मुझे मिली और अब की बार फिर मैं जैसा खबरें आ रही हैं तो भारत के ऊपरी सदन के लिए उन्होंने तो मुझे खुशी है। मैं पार्टी के आदित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से कांग्रेस एक बिल्कुल खाली होती नजर आ रही है? कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति बीजेपी से बाहर नहीं रह सकता। भारतीय जनता पार्टी का ये चिंतन और चरित्र है, जहाँ कार्यकर्ता को कुछ कहने की, कुछ मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती, अपनी जो अपना पार्टी की विचारधारा है निष्ठा के साथ उसके ऊपर काम करते रहो। संगठन खुद सोचता है किसकी जगह कहाँ उपयुक्त है, और जैसा विधानसभा चुनाव में भी मैंने कहा था कि मैं संगठन के निर्णय के साथ हूँ, मैं कभी मायूस नहीं होता और जो भी संगठन करेगा वो मेरे लिए वही मान्य रहेगा, और आज भी जो संगठन ने किया है वही मेरे लिए मान्य है। और वगैरह नहीं।